मुजफ्फरनगर जनपद में आज कचहरी परिसर में स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर राष्ट्रीय किन्नर संघों और राष्ट्रीय महिला एकता संगठन के बैनर तले दर्जनों किन्नरों और ग्रामीणों ने खादर क्षेत्र में हो रहे जलभराव के मुद्दे को लेकर डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि पुरकाजी कस्बे के गांव शेरपुर खादर में सोनाली मंदिर से हर साल किसानों की फसलों का नुकसान होता है। इस साल भी स्थिति वैसी ही है। सिंचाई विभाग द्वारा सोलानी नदी में उसकी क्षमता से अधिक पानी छोड़ा जाता है, जिससे गांव रामनगर में चारों ओर पानी भर जाता है। इस स्थिति में गांव वालों को जीविका के साधनों की कमी होती है और बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। बाढ़ के कारण जहरीले जानवर घरों में घुस जाते हैं, जिससे गांव वालों को सुरक्षा का भी खतरा होता है। गांव वालों को सरकार की ओर से एक नाव दी गई है, जिससे वे मुख्य सड़क तक पहुंच पाते हैं, लेकिन अगर कोई महिला गर्भवती होती है तो उसके लिए नाव में बैठकर जाना मुश्किल होता है। इसलिए ग्रामीणों की मांग है कि रामनगर गांव के लिए सोनाली नदी पर पुल बनाया जाए और पुरकाजी खादर क्षेत्र में बाढ़ से बचने के लिए एक बांध का निर्माण किया जाए। साथ ही किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए और सोलानी नदी में उसकी क्षमता से अधिक पानी न छोड़ा जाए। आज इन्हीं सब मांगों को लेकर डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी तब तक धरना जारी रखने की चेतावनी दे रहे हैं जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। जी, आपका नाम? मेरा नाम रिया किन्नर है और मैं राष्ट्रीय महिला एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। यहाँ पर किस तरह का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? पहले तो मैं आपको बताती हूँ, आज हमारे दो संगठन यहाँ पे हैं, राष्ट्रीय महिला एकता संगठन और राष्ट्रीय किन्नर संघ। धरना इसलिए है क्योंकि हमारे खादर में सोलानी का पानी आता है, उधर से उधर उनकी खेती भी खराब है। दूसरा, ये जो बैठे हुए रामनगर ऐसा गाँव है जिसके अंदर आने जाने के लिए रास्ता नहीं, चारों तरफ से पानी है, ये नाव से आते हैं जाते हैं, उधर खेती भी नहीं कर सकते। कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसको डॉक्टर के यहाँ पे जाना है तो वो नहीं जा सकते, नाव में बैठ के ही डॉक्टर के यहाँ पे लेके जाना पड़ता है। बहुत दिक्कत है, कोई सा अधिकारी वहाँ जाके नहीं देख रहा है, चाहे हमारे सांसद है चाहे हमारे विधायक, कोई नहीं जाना जा रहा है उधर ना। दूसरा, और जो खेती खराब हुई है उसका मुआवजा देने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है कि हम जो खेती खराब हुई है उसका मुआवजा दे दें। दूसरा, इनका एक कार्यक्रम चल रहा था इसमें सुक्करताल में, गंगा नमामि गंगे का, तो वो ऊपर से पानी छोड़ देते हैं उसमें, अब उसका रास्ता तो इन्होंने कर नहीं रखा है, वो सारा खेतों में जाता है, वो तो गलत बात है ना। अरे प्रोग्राम, अगर किसी चीज़ का कुछ प्रोग्राम बनाना है तो तरीके से बनाओ, अगर पानी छोड़ना है तो उसकी कैपेसिटी भी इतनी होनी चाहिए गंगा जी की, 18,000 क्यूसिक पानी उसके अंदर समा सके, उसकी कैपेसिटी सिर्फ 4,000 क्यूसिक पानी की है, 18,000 वो छोड़ देते तो गलत बात है ना। सिंचाई विभाग वालों की, सिंचाई विभाग वालों को मैंने फ़ोन किया, प्रमोद कुमार को, वो क्या कहते हैं, तो खादर है सोलानी का क्षेत्र है इसमें तो ऐसा ही होगा। मैंने ये बोला प्रमोद कुमार, मुझे लिख के दे दीजिए, मैं सुप्रीम कोर्ट को मैं आपको चैलेंज करूंगी, मुझे आके देना, या तो ये जो मेरे खादर वाले इनके जो वहाँ के बहनावे हैं, खसरा खतौनी है, जो खेती है सबको ख़त्म करो और तुम लिख के दो मुझे कि वहाँ पर सोलानी की जमीन है सारी, इनका कुछ नहीं है बेचार होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हर साल यही समस्या देखने को मिलती है, हर बार समस्या समाधान नहीं होता, क्या कुछ कारण मानते हैं? अब तो मैंने पिछले साल भी मैंने दिया था, इन्होंने आश्वासन दिया कर देंगे, अब मैं तो गैस सिलेंडर लेके आई हूँ, नहीं होता तो मैं तो अपने जितने भी बंदे मेरे रुकेंगे मैं तो यहीं पे बैठी हूँ, उनके साथ में दिल से हूँ, जान से हूँ, यहीं पे रहूँगी। जब तक मुझे लिख के नहीं देंगे कि वहाँ पे पुल का निर्माण होगा और बांध के निर्माण के लिए काम चलेगा और जो उसके नदी के किनारे हैं वो किनारे मजबूत नहीं किए जाएंगे और जिसकी खेती खराब हुई है उनको मुआवजा नहीं देंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाजिम बाजी नाम है, राष्ट्रीय किन्नर संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजिम बाजी। नाजिम बाजी जी, यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, किन कारणों के लिए चल रहा है? ये गरीबों के लिए चल रहा है, किसानों के लिए चल रहा है, बच्चे परेशान है, खेतियाँ खराब हो गई, खाने को नहीं, उनके पहनने को नहीं है, घरों में पानी भर गए, बांध खोलते हैं तो वो खादर भर गया। किस जगह का मामला है? खादर का, पुरकाजी के। अच्छा, कितने गांव वहां पर जो है समस्या से इस वक्त पीड़ित है, क्या कुछ वहां समस्या? बहुत गांव है, 500 गांव है, जब पानी भर जाता है, हमने भर के भी मांग उठाई थी, खेतियाँ खराब हो गई किसानों की, हर साल वहाँ की यही स्थिति बन जाती है, हर साल ऊपर से जब पानी छूटता है यही स्थिति। तो इसमें किस तरह की समस्या समाधान चाहते हैं? यही चाहते हैं, इन गरीबों का समाधान होना चाहिए, पुल बनना चाहिए, रास्ता साफ होने चाहिए, सड़क बननी चाहिए, बांध की क्या कहें, जो बांध पानी आता है ऊपर से उसका बांध बनना चाहिए, बांध बनना चाहिए। ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? अगर हमारा आज पूरा हो गया तो हाँ, ये रख जाके
उसको मिक्स मत करना, नहीं मेरा मिक्स मत करना, मैं तेरी वीडियो देखती हूँ इंस्टाग्राम पे ना, वो रविदास बाबा बन के चलने का है, मेरी वीडियो में मिक्स मत करना बस। ये दूसरा हमारा संगठन सेपरेट है, दो संगठन है, महिला संगठन है जो राष्ट्र में, हाँ नहीं उनसे मैं कभी नहीं चलूंगा। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।